व्हाट्सएप ऑफिशियली ये बोलता है कि आपके और आपके सेटिंग के बीच में जितनी भी चैट्स हो रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे, वो ना ही हम आपकी गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड और ना ही आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को शो कराते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आपके चैट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ऑफिशियली तो व्हाट्सएप यही बोलता है और सबको मालूम है भाई, व्हाट्सएप के चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। सेटिंग से जितनी चाहो उतनी बात करो और चैट्स को स्टोर करके रखो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। बट इन बॉलीवुड केसेस में ऐसा क्यों होता है कि एनसीबी सबसे पहले लठ चलाती है, बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस पकड़ लेती है उनको, देखो भाई आपके व्हाट्सएप पूरे चैट्स हमारे पास हैं, पर आपकी हम कभी भी ले सकते हैं और कभी भी आपको अपनी सीट पर, हॉट सीट पर बिठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, हाँ भाई बोलो आपने ये जुर्म, ये गंदी हरकत करी है या नहीं। तो यही थोड़ा सा फंडा आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा मसला है कि कौन व्हाट्सएप के चैट लीक करता है, कि व्हाट्सएप खुद दे देता है एनसीबी को या पुलिस को, या सरकार कहती है हाँ भाई व्हाट्सएप चैट दे दो शराफत से वरना तुम्हारा इंडिया से धंधा पानी बंद करा देंगे, या कुछ और ही फंडा है। तो आज के इस वीडियो में इसी को थोड़ा सा क्लियर या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं। सोचने वाली बात है, जब व्हाट्सएप के चैट्स पूरी तरीके से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं तो ऐसा कैसे हो जाता है कि पुलिस और एनसीबी के हाथ में व्हाट्सएप के चैट्स हाथ में लग जाते हैं, जिस बुनियाद पर वो ऑफिशियली आके बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के चैट्स हमारे पास हैं और अब हम इन पर आरोप लगाते हैं कि आप पूरी तरीके से इस क्राइम में भागीदार हो। 2020 में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस वाला मामला, उसमें भी रिया चक्रवर्ती के और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में हुए व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए थे, यानी कि एनसीबी के हाथ ही लग गए थे। उसके बाद अनन्या पांडे और अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। तो हर बार बॉलीवुड या कोई भी इंसान के चैट्स ऐसे कैसे पुलिस और एनसीबी के हाथ में लग सकते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज, क्या व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन के लिए कुछ करता है या नहीं? तो मैं बताऊं तो व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन को, हमारी चैट को सिक्योर रखने के लिए एक सिग्नल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जो कि हमारे चैट्स को लीक होने से थर्ड पार्टीज ऐप्स और थर्ड पार्टी पर्सन से बचाते हैं। देखो एक बहुत अच्छी बात यह भी है, व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ भी आपके चैट्स को कभी शेयर नहीं करता, तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो लोग समझते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है। एक और मेन बात आती है, अगर प्योर तरीके से एंड टू एंड एनक्रिप्शन है व्हाट्सएप का, तो पुलिस और एनसीबी के हाथ में चैट्स कैसे लीक हो जाते हैं? देखो थोड़ा सा एंड टू एंड एनक्रिप्शन को जानेंगे। देखो नॉर्मली तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन को बाईपास करना इम्पॉसिबल है। एबनॉर्मली कोई गलत तरीके से कर ले वो बात की बात है, पर नॉर्मली आप बाईपास नहीं कर सकते एंड टू एंड एनक्रिप्शन को, बिकॉज सिग्नल प्रोटोकॉल यही करता है, किसी चीज़ को लीक होने ही नहीं देता। अब बात आती है कि फिर भी कैसे चैट्स लीक हो जाते हैं, पुलिस और एनसीबी के हाथ में लग जाते हैं। तो इस चीज़ का सीधा साधा आंसर है, आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी इस चीज़ को सुनने के बाद, कि किसी का भी चैट्स ऐसे लीक हो सकता है कि उसका फ़ोन आप लो और ज़बरदस्ती बोलो कि अपना लॉक खोल और हमको दे फ़ोन, हमें आपका चैट देखना है क्योंकि हमें आप पर शक है। तो बेसिकली यही नॉर्मल सा तरीका है जिसमें पुलिस और एनसीबी अपना काम करती हैं। जो टारगेट होता है उसको बुलाया जाता है, देन उसको बिठाया जाता है, उसका फ़ोन लिया जाता है और उसका फ़ोन लेके चैट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट सेंड कर लिए जाते हैं अपने पास, जिससे कि वो किसी भी पर्टिकुलर क्राइम में उनको टारगेट कर सकें। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड टू एंड एनक्रिप्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है, सारे जितने भी सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी क्वेरी हो आपकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इन नेक्स्ट वीडियो उसको कवर अप कर लेंगे। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय।